हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सही, फर्स्ट क्लास, हेल्दी और फाइन होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर आई हूँ। छिपकली की वीडियो जो है मैंने एक पहले डाली हुई है अपने चैनल में, जो कि आपको बताती है कि किस तरह से छिपकली को भगाया जाए। ये बहुत ही वीडियो जो है आप सबने पसंद करी है। तो इसके साथ ही मैं एक और छिपकली की वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ और बातें जो है आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि छिपकली अगर ऊपर गिर जाती है तो इससे क्या होता है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ जो है आज शेयर करने लगी हूँ। तो छिपकली जो है इससे जुड़े हुए जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार छिपकली से जुड़े शुभ अशुभ संकेत जो हमारे के बारे में, ये सब मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो छिपकली जो है हमारे ऊपर, इसको गिरने से क्या लाभ और क्या फ़ायदे, क्या नुकसान होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे कि सिर, गाल, कान, हाथ, पैर। तो इस सब के ऊपर छिपकली गिरने से क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रोज़ की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर हमारे अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं। सभी को मालूम है कि भगवान ने कई प्रकार के जीव जंतु जो हैं हमारे धरती पर भेजे हुए हैं, और इन सब का कोई ना कोई कारण है धरती पर आने का। भगवान ने हर किसी को, जिसको भी धरती पर भेजा है, किसी न किसी कारण से भेजा है। छिपकली भी उनमें से एक है। छिपकली देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। इसे देखते ही हम घबरा जाते हैं। हमारा मन करता है कि छिपकली को किसी न किसी तरीके से घर से निकाल दें, पर ये निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके चक्कर में हम कोई झाड़ू उठा लेते हैं या चप्पल उठा लेते हैं इसको मारने के लिए, ताकि हम किसी तरीके से इसको गायब कर सकें। मगर जिस छिपकली को हम हमेशा दूर भगाते हैं, वो हमारे भविष्य का संकेत देती है। किसी न किसी तरीके से वो हमारे भविष्य के बारे में जो है ये संकेत देती रहती है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं छिपकलियों के। जैसे छिपकली जो है हमारे घर में, जब छिपकली आ जाती है तो ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े घर में रहते हैं, इन सबको वो खा जाती है, जो कि हमारे को किसी न किसी तरीके से ये फ़ायदा करती है। जैसे कि इन कीड़ों के काटने से आपको बुखार हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो ये इन कीड़ों को जो है पहले से ही जो है खा लेती है। तो ये हमें अगर नुकसान करती है तो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। हमें जो है अपने घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, किचन में खाने का सामान पड़ा रहता है, हमें सबसे पहले तो उसको ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि छिपकली की जो छिपकली जो होती है उसके दांत नहीं होते हैं, वो कुछ हमें काट नहीं सकती है, लेकिन वो जहरीली बहुत होती है। तो किसी भी चीज़ में अगर ये गिर जाए, जैसे कि दूध में गिर जाए, तो ये दूध को जो है बिल्कुल जहरीला बना देती है। उस दूध को हम दोबारा पी नहीं सकते हैं, हमें उसे फेंकना ही पड़ता है। तो हम जो बचाव कर सकते हैं, वो बचाव ये कर सकते हैं कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों को जो है बिल्कुल ढक कर रखें, ताकि किसी भी चीज़ में जो है छिपकली गिरे नहीं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि छिपकली हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में गिरने का उसका क्या मतलब होता है। ऐसा कहा जाता है कि छिपकली अगर हमारे माथे पर गिरे तो वो हमारी संपत्ति मिलने की संभावना देती है। यदि गर्दन पर गिरे तो यश की प्राप्ति होती है। दाहिने कान पर गिरे तो आभूषण की प्राप्ति होती है। और हमारे अगर बाहिने कान पर गिरे तो आयु की वृद्धि होती है। अगर ये हमारे नाक पर गिरे तो इसका मतलब है कि जल्द ही कोई हमारा भाग्योदय होने वाला है। अगर बाएं गाल पर गिरे तो कहते हैं कि पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। दाहिने गाल पर गिरे तो उम्र बढ़ती है। मुख पर गिरने से इसका मतलब है कि मधुर भोजन की प्राप्ति हमें होने की संभावना है। कंठ पर अगर छिपकली गिरे तो इसका मतलब होता है कि शत्रुओं का नाश होगा। कमर के बीच में छिपकली अगर गिरती है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि आर्थिक लाभ मिलता है। और यदि छिपकली हमारे पेट पर गिरती है तो इसका मतलब होता है कि इसका आभूषण मिलने की प्राप्ति है। अगर हमारी नाभि पर गिरे तो इसका मतलब माना गया है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मूंछ पर गिरे तो सम्मान की प्राप्ति कहा जाता है।
दाहिनी भुजा पर गिरे तो कहा जाता है कि धन लाभ होगा, बाहिनी भुजा पर गिरे तो कहा जाता है संपत्ति छिनने की आशंका है। इसी तरह से छिपकली अगर हमारी दाहिनी हथेली पर गिरे तो इसका मतलब है कि हमें कपड़े मिलने की संभावना है, बाई हथेली पर गिरे तो धन की हानि होने की संभावना कही जाती है, दाहिनी कंधे पर गिरे तो विजय की प्राप्ति की संभावना है। इसी तरह बाएं कंधे पर गिरने से नए शत्रु बनने की संभावना होती है। दाहिनी आंख पे अगर छिपकली गिरे तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि दोस्तों से मुलाकात होगी, बाएं आंख पर गिरे तो इसका मतलब कहा जाता है कि जल्दी हमारी कोई जो है हानि होने की संभावना है। इसी तरह से अगर दाहिनी छाती की दाहिनी और छिपकली गिरे तो इससे कहा जाता है कि ढेर सारी खुशियाँ मिलने की संभावना है, बाएं छाती के में छिपकली गिरने से कहा जाता है कि हमें घर में कलेश होने की संभावना रहती है। इसी तरह से पीठ के बीच अगर छिपकली गिरने की गिरे तो इसको कहा जाता है कि हमारे घर में कलह होने की बहुत ही जल्द संभावना है। पीठ की बाईं तरफ गिरे तो मतलब रोग का दस्तक देना होता है। इसी तरह से दाहिनी जांघ पर अगर छिपकली गिरने की गिरती है तो इसकी संभावना ये होती है कि सुख मिलता है, सुख मिलने की संभावना होती है। इसी तरह से बाई तरफ गिरे इसका मतलब कि शारीरिक हमें जो है पीड़ा होने की संभावना है। दाहिने घुटने पर गिरे तो यात्रा की संभावना कहा जाता है, बाएं घुटने पर गिरने से बुद्धि की हानि होने की संभावना कही जाती है। दाएं पैर पर अगर छिपकली गिरे तो इसका मतलब होता है कि यात्रा में लाभ होने की संभावना है। इसी तरह से बाएं पैर पर अगर गिरे तो घर में कलेश होने की संभावना होती है। तो इससे रिलेटेड ये कई सारी चीज़ें छिपकली से रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं, आपके साथ शेयर करी हैं। आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो जो है लेकर आऊँगी। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।